কামাল কলকাতার ফেসবুক এবং কামাল কলকাতার ইউটিউব চ্যানেলে দুটো দেখুন, ভালো লাগবে। আর ইন্ডিয়া জিতল টিভির পর্দার থেকে চ্যানেলের মারফত দিয়ে এই ছবি আপনাদেরকে পোস্ট করছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবাই দেখতে থাকবেন। और अगर आप टीम में देखें विराट कोहली ये झंडा लेके, ये तस्वीरें इतिहास है, ये खास है, इतिहास है, जीता जाता इतिहास है। जेनरेशन विल रिमेंबर के ये जो वर्ल्ड कप चौथी बार हम जीते थे और दूसरी बार T20, आपको याद है कि T20 वर्ल्ड कप जब हम जीते थे बॉम्बे की सड़कों पे लाखों लोग उतरे थे धोनी का इस्तकबाल करते। तो मुझे नहीं लगता कि इस देश को इस गेम से ज्यादा कोई भी खुशी दे सकता है, कोई बंगाली हो, कोई महाराष्ट्रन हो, कोई पंजाबी हो, लेकिन जब ये खेल चल रहा होता है सब हिंदुस्तानी हैं। जूता जापानी हो, पतलून इंग्लिस्तानी हो, लेकिन दिल सबके हिंदुस्तानी होते हैं उस वक्त। वो इस खेल से ज्यादा कोई नहीं जोड़ सकता और इस जीत से ज्यादा भारतवर्ष को अखंड कोई नहीं बना सकता। ये जोड़ने वाले को मान और तोड़ने वाले को अपमान, ये दिलों के शहंशाह है। और खास तौर पर जब मैं बुमराह को देखता हूं, चाहे कोहली की ये कमाल की पारी हो, चाहे रोहित की वो दो पारियां हो, चाहे भारतीय टीम की बोलिंग जो विलक्षण थी, जो सेपरेट थी, और सबसे ऊपर सुपर डुपर वॉज दैट कैच फ्रॉम सूर्य कुमार यादव। वो कैच ना होता तो आज ये वर्ल्ड कप ना होता, मैच ना होता। और ये मैच देखिए, मैं तो सिर्फ एक फैन हूँ, आप लोग खेले हुए हैं इस खेल को, लेकिन ये जो दृश्य है और ये बहुत कम देखने को मिला पिछले 13 सालों में, बारबेडोस का ये ग्राउंड और वो तिरंगा देश का जो पूरी दुनिया पे अब लहराएगा, पूरी दुनिया को अब कहेंगे कि हम राज कर रहे हैं इस क्रिकेट के खेल पे। इरफान बयां कीजिए। स्वयं सिर्फ आप फैन नहीं है, हम सब जो क्रिकेट खेल चुके हैं हम भी फैन हैं। आज सिर्फ हम फैन हैं भारतीय टीम के। ये झंडा सिर्फ बारबाडोस में नहीं लहराया, ये पूरे विश्व कप में लहराया। अमेरिका में जब खेल रहे थे वहां पे लहराया, अमेरिका में जाके भारत का झंडा गाड़ना वैसे भी आसान होता नहीं है, वो भी काम किया। और यहाँ पे आप देखेंगे भारतीय दीप रोहित शर्मा, विराट कोहली जरूर हम यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन रोहित शर्मा ने जो लीडरशिप दिखाई है इससे बेहतर लीडरशिप आपको दुनिया में देखने को नहीं मिली। कहाँ से शुरू होता है 2022 आपने बात की, एडलेट से लेके बारबाडोस का जो सफर था ना उसमें बहुत कांटे थे, बहुत कांटे चुभे थे। सिलेक्शन याद है, कैपू भाई मैं यहाँ पे बात कर रहे थे और बात हुई थी कि टीम के पास ना ऑलराउंडर्स बहुत है, ऑलराउंडर्स लेके आए और कहा कि मुझे चाहिए स्पिनर, मुझे एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए क्योंकि वेस्टइंडीज आके मैच जिता सके। तो उस लिहाज से आप देखेंगे। और एक और मास्टर स्ट्रोक रोहित शर्मा का, क्या मास्टर स्ट्रोक, मैं ऋषभ पंत को ना नंबर 3 पे खिलाऊंगा। भाई ऋषभ पंत थर्ड आइए स्कोरर बना इस टीम का अब, और ये आसान है नहीं। तो वहां पे आपने जो जो डिसीजन लिए सब डिसीजन आपकी तरफ है, और आपने बतौर कप्तान ये तो रोको है ना, कैसे ये रोको ने तो पूरी दुनिया में सबको रोक लिया, सिर्फ भारत को आगे लेके गए। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा, अब उनका नाम वहां पे शुमार हुआ जहां पे कपिल देव है, महेंद्र सिंह धोनी है और रोहित शर्मा है। और एक चीज यू नो, अगर देखे तो सही मानों में इंडिया इज डोमिनेटिंग वर्ल्ड क्रिकेट। WTC फाइनल, ODI फाइनल, ODI फाइनल, बस एक ट्रॉफी की कमी थी टू काइंड ऑफ स्टैंप लगाने का कि हाँ सही मानों में इंडियन टीम इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड अक्रॉस फॉर्मेट। ये भी फाइनल में अगर हारती जाती ना शायद फिर भी बेस्ट ही रहती, लेकिन वो स्टैंप नहीं लगता इस ट्रॉफी के साथ ना, वो स्टैंप लग गया कि दिस फॉर्मेट। और पहली बार ना पूरी टीम मिली है, WTC से बुमराह नहीं थे 2022, बुमराह नहीं थे वहाँ, कुलदीप नहीं थे, तो अभी 19 में ODI वर्ल्ड कप वहाँ हार्दिक पांडे इंजर्ड थे। हार्दिक पांडे अगर इंजर्ड होते हैं तो एक बॉलर कम होता है, एक बैट्समैन कम होता है, तो हारे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वहाँ हार्दिक पांडे नहीं थे। ये सब पल तो ये जिंदगी भर ध्यान में डाल लो भाई, ये रोहित
डिजर्व करते हैं 100% जिस तरह टीम चलाई और यहाँ पे जो टीम बनाई एग्जैक्टली सारे प्लेयर फिट है, जहाँ बुमराह आ गए, जहाँ कुलदीप आ गए, जहाँ हार्दिक पांड्या को लेके, हार्दिक पांड्या आईपीएल में बहुत खराब खेले, बहुत बुरा खेले, कोई डिप्लोमेशन नहीं वहाँ पे, कोई राजनीति नहीं है, खिलाया उनको इस्तेमाल किया, बैक किया और हार्दिक पांड्या ने भी आज की मैच को क्लासिक जॉब किया भाई, वो मैच हारा हुआ था। 24 बॉल 26 हार्दिक पांड्या आके अपना टर्निंग पॉइंट था, क्लासिक का विकेट था, आउट किया मिलर को, वहाँ अपना अहम योगदान दिया बल्ले के साथ और गेंदबाजी में, तो उनको प्लेयर्स की कदर है, उनको एग्जैक्टली पता है कि हमारे पास कौन से प्लेयर स्क्वाड में चाहिए जो विश्व कप जिता पाएंगे। और ये नजारे राहुल द्रविड़ भाई आप डिजर्व करते हो, सही बता रहा हूँ, ये तस्वीर भाई ध्यान में डालो, क्योंकि ये बंदा महान है, अच्छा कोच है, बिहाइंड द सीन रहता है, फुली डिजर्व, ट्रॉफी उठाओ और एंजॉय करो भाई। ऐसा अभी आपने राहुल द्रविड़ का रिएक्शन देखा है? मैंने आज मैं 20 साल उनके साथ खेला, 15 साल ऊपर और मतलब दूसरी काउंटली, ये रिएक्शन राहुल द्रविड़ का किसी ने नहीं देखा, ये वो जज्बात है 25 साल के जो उम्र के नदी की तरह बह गए, ये मतलब विराट कोहली अपनी अपने परिवार के साथ, ये सब इमोशंस हैं जो बह रहे हैं। देखो हर मैच में अलग मैन ऑफ द मैच, हर मैच में कोई अलग हीरो है, हर मैच में किसी ने अलग तरीके से आके भारतवर्ष की मदद की है, एक कांस्टेंट रहा है बुमराह, ठीक है, बाकी हर एक मैच में कोई इससे बड़ी टीम परफॉर्मेंस क्या होती है, जब पांच अपनी बोर्ड से अपनी ताकत से हजार गुना बोर्ड उठा रही और हर प्रेशर सिचुएशन में उभर के आ रही है, मतलब तमाम एक ट्राइव करने की सिचुएशन बन गया है, तो मुझे लगता है कि फिर उसके बाद जब विराट का वक्त आया फाइनल में खड़े होने का, वो भी करके दिखाया। सबसे बड़ा फर्क क्या था? सबसे बड़ा फर्क था कि बोले वो बोले बताओ कब 6 बोले के विकल्प से वर्ल्ड कप में भारतीय टीम उतरी, दैट इज द फर्स्ट टाइम कि आपके पास 6 बोले विकल्प और उन 6 में से 3 ऐसे हैं जो 15-15 विकेट लेंगे। अब दीप किया and calm, so yeah, emotionally everything was checked.
team hurdles, last stretches. Just that one final moment with the team. Yeah, trophy se bhi pehle. I'm not going to keep you longer. Thank you very much. Aur chalte chalte kehte hain. की बात आप बात कर रहे थे ना, सिर्फ उसने अपने टीम की सोच नहीं बदली, बट हम जिस तरीके से T20 को देखते हैं उसकी भी सोच बदली है। पहले हम सोच रहे 50-70 अच्छी बनाएंगे इससे गुड इनिंग, अब हम क्या सोच रहे हैं कि भैया इम्पैक्ट को लेंगे, और वो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा योगदान रहा है फिलहाल यहाँ पे, योगदान वहाँ पे सबसे बांगड़ा জিতলাম এইটাই আপনাদেরকে দেখালাম। লাইক শেয়ার কমেন্ট করুন, সাবস্ক্রাইব করে দেখতে থাকুন মাল কলকাতা ইউটিউব চ্যানেল, দেখতেই হবে কিন্তু। টাটা, গুড নাইট।